हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ थंबनेल देख रहे हैं, कुछ ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। और ये थंबनेल मैं नहीं बनाया हूँ, ये अमर उजाला न्यूज़ का ये कटिंग है। फ्रेंड्स, मैं अभी डिटेल में दिखाता हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, RRB RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021, क्या इस सप्ताह जारी किया जाएगा ग्रुप डी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। आ गई है लेटेस्ट अपडेट, यानी कि कुछ लेटेस्ट अपडेट मिल गई है जो अभी तक नहीं मिली थी, अमर उजाला का ये कहना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस अपडेट में क्या नहीं मिला है। लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, RRB RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021, वही डिटेल में देख सकते हैं आप, क्या इस सप्ताह जारी किया जाएगा ग्रुप डी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। आ गई है लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। इसमें सार में क्या लिखा हुआ, उम्मीदवारों को काफ़ी लंबे समय से रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी की लिखित परीक्षा का इंतजार बना हुआ है। अनुमान है कि जुलाई के अंत तक इसके एग्ज़ाम की जानकारी कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले हम यूट्यूबर्स न्यूज़ वालों का सहारा लेते थे, उनकी न्यूज़ हम लोग कॉपी करते थे। और अब क्या हो गया है, अब न्यूज़ वाले हम यूट्यूबर्स की न्यूज़ कॉपी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो चुकी है कि जुलाई के अंत तक जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, और अगस्त में हो सकता है कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर में हो सकता है। ऐसे ऐसे अपनी बातें कह रहे हैं अपनी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये देख लेते हैं पहले। ठीक, तो विस्तार में क्या लिखा है, क्या आपने भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन किया था, क्या आप भी इस भर्ती के लिए होने वाले लिखित एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे हैं। अगर हाँ, तो आज हम आपके साथ इस परीक्षा से जुड़ी एक अहम जानकारी साझा करने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको बता दें कि रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया काफ़ी दिनों पहले ही पूरी करा ली थी, लेकिन अभी तक इस भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नजर नहीं आ रही है। ऐसे में करोड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र इसके एग्ज़ाम की प्रतीक्षा लगाए बैठे हुए हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कब तक इंतजार की ये घड़ियां खत्म हो सकती हैं और कब तक परीक्षा कराए जाने की संभावना है। इससे पहले, अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की पक्की तैयारी व कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं, तो आज ये सब मतलब अपना प्रचार करने लगे, तो ये कोई खास मतलब नहीं है फ्रेंड्स। न्यूज क्या है, हमें वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या इस सप्ताह जारी होंगे एडमिट कार्ड। इसमें क्या लिखा है, आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बढ़ती कोरोना महामारी के कारण कई प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब जब महामारी का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है, तो ऐसे में कई परीक्षाओं का आयोजन फिर से शुरू कर दिया था, या था लिखा गया, कर दिया गया होना चाहिए। यहाँ तक कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने भी RRB NTPC की सातवें चरण की परीक्षा को भी बहाल कर दिया है। इन सब बातों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या है, नीचे कहीं एडमिट कार्ड के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया, ऊपर लिखा गया एडमिट कार्ड के बारे में। आप समझ सकते हैं कि ऐसे कैसे मीडिया मूर्ख बनाते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। ये चाहते हैं कि इनका आर्टिकल पढ़ा दे, इनका न्यूज़ पढ़ा दे, बाकी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि रियलिटी क्या है कि अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब की खबर को चुरा करके दिखा रहे हैं अपने मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से, बाकी कुछ नहीं है ये, जबकि रियलिटी आपको मालूम है फ्रेंड्स। अभी क्या है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला इतना जल्द। अभी सबसे पहले नोटिफिकेशन लिंक आएगा, आपको मालूम है, क्योंकि 26 जुलाई को इसका हियरिंग है, 26 जुलाई को फाइनल ऑर्डर आ सकता है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। अगर रेलवे पहले से चाहता तो फिर बहुत पहले फाइनल ऑर्डर आ गया होता है, लेकिन रेलवे ही जान उसके लेट कर रहा है, बार बार डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा रहा है कोर्ट को, आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी। ठीक, तो अगर 26 तारीख को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिया जाता है तो उसी दिन फाइनल ऑर्डर आ सकता है, या फिर उसके अगले हियरिंग में ऑर्डर आ सकता है। वैसे इसको टॉप 10 में रखा गया इस बार केस को, मालूम होगा, और कैंडिडेट ने काफ़ी प्रयास किया है, पिटिशनर्स ने काफ़ी प्रयास किया ताकि इसके टॉप 10 में रखा जाए इसको, और रखा भी गया है टॉप 10 में। तो उम्मीद यही है कि 26 तारीख को कुछ ना कुछ फाइनल रिजल्ट मिल सकता है, अगर नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट हियरिंग में जरूर मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी एग्जाम डेट नहीं जारी होगा। अभी आपको मालूम है कि अभी अगस्त में SSC के भी एग्जाम्स हैं। बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि SSC एग्जाम पोस्टपोन हो ग्रुप डी के लिए, बट ऐसा कभी होता नहीं है, अपने पॉसिबल नहीं है किसी एक एग्जाम दूसरे एग्जाम को पोस्टपोन कर दें, वो भी वो एग्जाम जो ऑलरेडी शेड्यूल था पहले से, या फिर दोबारा भी शेड्यूल हो चुका है। ग्रुप डी का अभी तक एक बार कोई खबर नहीं आया है कि कब होगा कब नहीं होगा, ना पहले शेड्यूल था कोरोना पहले, ना अभी शेड्यूल हुआ है, तो कैसे हम कह देंगे कि ग्रुप डी की वजह से मतलब हम SSC को पोस्टपोन करके ग्रुप डी करा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो सकता है, बहुत से लोग बोले 25 अगस्त से स्टार्ट हो सकता है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। तो सब लोग अपनी अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे अपने डेट्स को ये आगे बढ़ाते जाएंगे, टालते जाएंगे, और आपको लगेगा सही बोल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके प्रिपरेशन में पॉजिटिविटी तो मिलेगी, बट रियल न्यूज़ आपके सामने कभी नहीं आ पाएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ आप लोग प्रिपरेशन करते रहे, आप लोग यही मान लें कल ही आपका एग्जाम है, लेकिन रियलिटी कुछ और है, रियलिटी जो रहेगा मैं बता के रहूँगा। ठीक है, तो आपको मालूम है पहले तो कोविड केस, अभी मतलब जो कोर्ट केस है, फिर कोविड केस तो है ही, आपको मालूम है हर जगह लॉकडाउन फिर से लग रहे हैं, एक एक स्टेट में बढ़ते जा रहे हैं लॉकडाउन। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है लॉकडाउन को लेकर के, या फिर कोई मतलब कि अलर्ट नहीं जारी किया गया है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम्स होंगे, मतलब इधर जो बीच में पढ़ रहे हैं जुलाई अगस्त में, ये तो होंगे ही होंगे, और इससे काफ़ी ज़्यादा कोविड बढ़ने की भी संभावना है।
क्योंकि आपको मालूम है कि अभी मान लीजिए NTPC आपका स्टार्ट हो रहा है कल से 23 जुलाई से, और फिर आपका अगस्त में SSC के भी एग्जाम से 26 जुलाई को भी SSC का एग्जाम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, गैदरिंग होगी, मास गैदरिंग होगी, तो फिर कोविड फैलने का डर रहेगा, और उसके बाद तब सरकार होश में आएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आएगी कि हाँ कोरोना बढ़ रहा है हमारे देश में, फिर से लग रहा है, कुछ करना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, और मतलब कि सबको देशवासियों को जागरूक करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वैसे सेंट्रल लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है लॉकडाउन के नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे फर्स्ट टाइम जब लगा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि सारा भार अपने ऊपर ले, तो क्या करेगी, वो राज्य सरकारों के कंधों पर देगी। राज्य सरकारें क्या करेंगी, वो जिला मजिस्ट्रेट के कंधों पे देंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा फ्रेंड्स, ये लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, अपनी जिम्मेदारी अपने स्नीचों लग देंगे, फिर अपनी जिम्मेदारी अपने स्नीचों लग देंगे, चलता रहेगा। हो सकता है वो दिन आ जाए कि जिला अधिकारी कह रहे तहसीलदार अपने अकॉर्डिंग अपने तहसील में लॉकडाउन लगाए, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ऐसा हो चुका है, लोग अपनी जिम्मेदारी से हटने लगे, इस हिसाब से कि कुछ कहा नहीं सकता है। वैसे जिलाधिकारी महोदय मान लीजिए वो अधिकारी पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग लोग नेता लोग हैं, नेता लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, नेता और अधिकारी थोड़ा डिफरेंस होता ही होता है, तो हो सकता है वो ऐसा ना करें। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम एग्जाम डेट की बात करें, तो आपको मालूम है शुरू से कह रहा हूँ कि अगर थर्ड वेव नहीं आता है तो भी अगस्त में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगस्त में बहुत से लोग बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल अफवाह फैला रहे हैं, अभी SSC के एग्जाम्स चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, उसके बाद अभी आपको मालूम है SSC MTS भी नहीं हुआ है, तो इतना जल्दी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपका ग्रुप डी हो जाएगा। ठीक है, ये महज एक अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है, बस क्या है लोग व्यूज़ कमाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई कहता है इस डेट पे एग्जाम होगा, कोई कहता है उस डेट पे एग्जाम होगा, और मैं हमेशा आप लोगों को मना कर देता हूँ, तो आप लोगों को लगता है मैं नेगेटिव न्यूज़ फैला रहा हूँ, बट नेगेटिव रियलिटी है फ्रेंड्स, आप लोग प्रिपरेशन करिए, प्रिपरेशन करने से कभी नहीं रोकता हूँ, बट एग्जाम डेट की बात यही कि एग्जाम जो है अभी नहीं होने वाला है। और अभी क्या है, मैं आपसे एक बात जरूर बोला था कि आपको ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस मिल सकता है जुलाई लास्ट तक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक तक, लेकिन मैं ये नहीं कहता अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, नोटिस वाली बात इसमें कहीं ना कहीं सच है, नोटिस आ सकता है बट एग्जाम अगस्त में नहीं होगा। हो सकता है बताया जाए कि एग्जाम आगे पोस्टपोन हो रहा है, फिर सितंबर सेकंड वीक में है, मतलब मैं आपसे बोल ही रहा था, अगर होना होगा सितंबर में हो सकता है, उससे पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें फैलाई हैं, अगस्त वाली बातें बिल्कुल मतलब कि ना ही है एकदम, आप समझ सकते हैं। और नोटिस की बात है, नोटिस रेलवे को देना भी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी दिन से परेशान हैं और वो कुछ अपडेट नहीं पा रहे रेलवे की तरफ से। अगर नोटिस मिल जाएगा तो कैंडिडेट्स एक बार कंफर्मेशन पा जाएंगे कि हाँ हमारा एग्जाम होने जा रहा है, तो फिर प्रिपरेशन में अच्छे से लग सकते हैं। और हाँ, नोटिस वहाँ प्रपोज न लिखा जाए जैसा कि NTPC 7 फेज लिखा गया, क्योंकि प्रपोज भी काफ़ी कन्फ्यूजन, प्रपोज का मतलब ये कन्फर्म नहीं है, हम केवल प्रपोजल रखे हुए हैं, एग्जाम हो भी सकता है नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए रेलवे को, रेलवे को कन्फर्म डेट देना चाहिए, शेड्यूल मतलब पूरा शेड्यूल जारी करना चाहिए, ताकि कैंडिडेट्स के मतलब अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ अब हमारे एग्जाम होने जा रहा है, अब हम एग्जाम देके नौकरी पा सकते हैं, और हम नौकरी के करीब पहुंच चुके हैं, अब सब कुछ हमारे हाथ में, जितना अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा हमारा चांस बनेगा सिलेक्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ऐसे न्यूज़ से आप लोग दूर रहे, इन सब न्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता है, सब फालतू के लफड़ा फैलाते रहते हैं, बाकी इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कभी कहता नहीं बट अभी कह रहा हूं, क्योंकि उससे बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़ जाए जरूर, ताकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ इन्फॉर्मेशन नया मिल सके, जो यहाँ यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।